अरे अरे आराम से सर, आराम से। मैं ठीक हूँ। आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ मैं। सर ये देखिए, जो भी फोल्डर्स रह रहे थे वो सारे मैंने कंप्लीट कर दिए, आप ये सारे चेक कर सकते हैं। हाँ हाँ काफी अच्छा काम किया है तुमने। I'm impressed. हाँ बाकी सारा काम हो गया सर। वो आंचल डायरी गिर गई मेरी, एक बार उठा दोगी? मेरे पैरों में थोड़ी दिक्कत। हाँ सर मैं भी उठाती हूँ। जी लीजिए सर आपकी डायरी। थैंक यू। और सर मैंने काम सारा कंप्लीट कर दिया है ऑलमोस्ट, तो अभी मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ तुम जाओ। सर का मैसेज? ये मेरे प्राइवेट पे किस सर के पास कॉल से आई? वॉइस नोट? ये तेरे प्राइवेट फोटोग्राफ्स, अगर तू चाहती है कि मैं इन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वायरल ना कर तो कल मैं मीटिंग के बहाने तुझे एक घंटे के लिए अपने कैबिन में बुलाऊं, और कैबिन में तेरे और मेरे अलावा कोई भी नहीं, और मुझे खुश कर दियो तुम। उसके बाद आके यहाँ अपने ये फोटोग्राफ्स डिलीट करवा लियो, बाकी आगे तो तू खुद समझता है। शिट यार अब मैं क्या करूंगी, इतने सारे प्राइवेट पिक्चर्स वो भी सर के पास। आखिरकार आ ही गई मेरी मैम, मुझे पता था कि तुम जरूर आओ। सर देखो ये जो कुछ भी आपने किया है ना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्या गंदी हरकतें हैं। अरे क्या ही गलत कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ मिस आचल, तुम्हारी तुम्हारे इस हुस्न के समंदर से अगर दो लोटे मैंने निकाल भी लिए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, कुछ कमी थोड़ी आ जाएगी तुम पे। सर आप अपनी एज देखिए, आप तो पारिश नहीं है, मैं आपके एम्प्लॉय हूँ और मैं इतने टाइम से आपके पास काम करती हूँ, मुझे नहीं लगा था कि आप ये सोच रखते हैं मेरे बारे में, आपको ये बातें शोभा नहीं देती सर। किसने कहा तुमसे कि मैं अपाहिज हूँ, मेरी टांगे काम नहीं करती? हाँ देखो मेरी तीनों टांगे बिल्कुल दुरुस्त। सर आप अपाहिज नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब तुम ये सोच रही होगी कि ये अपाहिजपन का नाटक मैंने क्यों किया, ये अपाहिजपन के नाटक से मैंने तुम्हारे जैसी मासूम लड़कियों को बहुत फंसाया, उनकी सिंपैथी गेन करके उनका यही हाल करता हूँ जो तुम्हारा कहना, और इसी अपाहिजपन के नाटक करके मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों से बड़ी बड़ी डीलें हुई। खैर ये सब तुम्हारा मैटर है, तुम जिस काम के लिए यहाँ ही हो वो करो, फटाफट कपड़े उतारो चलो। ये सब कुछ इस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुके हैं, अब आप चाह के भी नहीं बच सकते। सर आपका ये नाटक ना अब खत्म हो चुका है, अब आप देखना कि मैं क्या करती हूँ, जितने भी कंपनी में काम करते हैं ना ये सबको मैं ये वीडियो दिखाऊंगी, और ये वीडियो ना मैं वायरल कर दूंगी ताकि आपकी इमेज की धज्जियां उड़ जाए, और जिन लड़कियों के साथ आपने इतना गलत गलत काम किया उन लड़कियों को इंसाफ मिल सके। अरे मेरी बात, अरे नहीं नहीं सर आप मेरे पीछे पीछे मत आइए, वरना लोगों को पता चल जाएगा ना कि आप अपाहिज नहीं है, आप चल सकते हैं तो गलत हो जाएगा ना। एक काम करिए आप यहीं पे बैठिए आराम से, मैं जाके सबको सच्चाई बताती हूँ कि आप कितने घटिया इंसान हैं।